हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक केस के बारे में, जो केस था शोल्डर डिस्टोशिया का। तो शोल्डर डिस्टोशिया क्या है, किनको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया, अगर बाई चांस शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन अराइज हो गई है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और शोल्डर डिस्टोशिया होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं मदर को और बेबी को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कोई भी फ्री कंसल्टेशन नहीं है, इसके लिए आपको पे करना रहेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं, हॉस्पिटल का एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शोल्डर डिस्टोशिया, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया होता क्या है। शोल्डर इट मीन्स ये कंधे वाला रीज़न, डिस्टोशिया इट मीन्स डिफ़िकल्टी। इट मीन्स ये जो शोल्डर वाला रीज़न है, जब इसको पास होने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर यहाँ पर आके लेबर जो है वो अटक जाता है, तो उसको शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो ड्यूरिंग डिलीवरी हेड बाहर आ जाता है, बट ये जो शोल्डर वाला पार्ट है वो हड्डियों के बीच में अटक जाता है, जो पेल्विक बोन रहती है वहाँ पर अटक जाता है, रोटेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो शोल्डर है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। अब हम बात करते हैं कि ये शोल्डर डिस्टोशिया किसको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जिनको भी डायबिटीज़ की कंडीशन रहती है, डायबिटीज़ की कंडीशन होने की वजह से जो बेबी वेट है वो बढ़ जाता है, उन बच्चों को एक मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। तो जिन भी बच्चों का वज़न 4 किलो या उससे ज़्यादा है उनको मैक्रोसोमिया बेबी बोलते हैं। ज़्यादा वेट होने की वजह से जो बेबी है उसका पास होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उन केसेस में ये शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। उसी के साथ साथ में अगर पेशेंट ओबेस है तो उनको खतरा रहता है शोल्डर डिस्टोशिया का, या फिर जिन भी पेशेंट को इंडक्शन दिया गया है, इट मीन्स पेशेंट को नॉर्मली लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए बट मेडिसिन के थ्रू पेन स्टार्ट किए गए, तो उन केसेस में हो सकता है, या फिर इंडक्शन स्टार्ट होने के बाद में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इट मीन्स लेबर जो है उसका एक टाइम बताया गया है कि हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर टाइम से नहीं हो रहा है, लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो उसमें भी रिस्क रहता है आगे शोल्डर डिस्टोशिया होने का। अब हम बात करते हैं कि अगर शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है। तो शोल्डर डिस्टोशिया में क्या है कि हेड बाहर निकल गया है लेकिन उसके बाद जो रोटेशन होता है बॉडी का वो रोटेट नहीं हो पा रहा है, जो दोनों शोल्डर हैं वो पेल्विस रीजन का जो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट वहाँ पर आके अटक जाते हैं, तो उसको हमको कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है, कैसे उन शोल्डर्स को बाहर निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल फॉर हेल्प, इट मीन्स आपको एक्स्ट्रा नर्सेस को बुलाना है ताकि आपके साथ में 2-3% अगर रहेंगे तो आप उसको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। सेकंड आता है मैक रॉबर्ट्स पोजीशन, इट मींस जो भी पेशेंट के लेग वाला रीज़न है, थाई वाला रीज़न है, उसको एबडक्ट करना है, इट मीन्स थाइस को थोड़ा सा पीछे की तरफ लाना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, थाइस को एबडक्ट करना है ताकि वहाँ का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ सके। तो जो मदर है उसके लेग्स को उसके पेट वाले रीज़न की तरफ में करना है, इसको बोलते हैं मैक रॉबर्ट्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो सुप्रा प्यूबिक रीजन है, फंडल प्रेशर नहीं देना है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देना है ताकि जो हैंड है, जो एंटीरियर शोल्डर है, वो नीचे की तरफ आ जाए। इन 90% केसेस में मैक्रोबर्ट्स और सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देने से ही जो शोल्डर है वो बाहर निकल जाता है। अगर ये मेथड काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद में आता है वुड्स मैन्यूवर, वो अप्लाई करना रहता है। वुड्स मैन्यूवर प्रोसीजर क्या, तो इसमें जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसको रोटेट किया जाता है एंटीरियरली, ताकि रोटेट होके जो शोल्डर है वो बाहर निकाला जा सके, तो इसको वुड्स मैन्यूवर बोला जाता है। इसके बाद भी अगर जो शोल्डर है वो नहीं निकल रहा है तो नेक्स्ट क्या किया जाता है कि जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसको निकालने की कोशिश की जाती है, इट मीन्स जो हमारा हैंड है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हम फिंगर को वेजाइना में इंसर्ट करेंगे और जो ये हाथ वाला रीजन रहता है वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे अपनी फिंगर को, और जो पोस्टीरियर आर्म है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि उन्होंने हैंड को इंसर्ट किया है और जो शोल्डर है उसको पकड़ कर बाहर निकालने की कोशिश की है, तो इस तरह
तरह से पोस्टीरियर शोल्डर को पहले बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में एंटीरियर शोल्डर को बाहर निकाला जाता है। अगर ये टेक्निक भी काम नहीं कर रही है तो लास्ट आता है ऑल फोर पोजीशन। ऑल फोर पोजीशन क्या है कि इसमें मदर को उल्टा कर देते हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से मदर की पोजीशन दी जाती है और फिर बेबी की डिलीवरी की जाती है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिससे जो शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन है उसको सॉल्व किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी शोल्डर डिस्टोशिया नहीं हो रहा है तो उसके बाद में जो हेड है उसको अंदर पुश किया जाता है और बाद में सी सेक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो हैंड है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अगर सही से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड आता है एक्सफिक्सिया की कंडीशन, बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। कभी कभी अगर बहुत टाइम तक बच्चा इसमें फंसा रहता है तो बच्चे की डेथ तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, वेजाइनल टीयर या सर्वाइकल टीयर होने के चांसेस रहते हैं, ब्लैडर रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि मदर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप बेबी की पिक देख रहे हैं, तो इस केस में शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन अराइज हो गई थी, हेड निकलने के बाद में शोल्डर फंस गए थे दोनों रीजन में। तो यहाँ पर मैंने यही सारी टेक्निक्स अप्लाई की, पहले पेशेंट को मैक्रोबर मैन्यूवर में लाए, उसके बाद में सुप्रा प्यूबिक प्रेशर दिया, पर उसके बाद भी जो बेबी का शोल्डर था वो नहीं निकल रहा था। तो उसके बाद में जो पोस्टीरियर आर्म है उसका एक्सट्रैक्शन किया, देन बेबी आराम से निकल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट शोल्डर डिस्टोशिया केस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।